रिलीज हुई फिल्म रोबोट को लेकर हर किसी के मन में हमेशा ही ये सवाल बना रहता है कि आखिर आने वाले वक्त में ये फिल्म कब एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, फिल्म एथिरन की ये हिंदी रीमेक फिल्म थी, एक एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसमें आपको रजनीकांत देखने को मिले थे डॉक्टर वसीकरण के किरदार में, और इसके अलावा उन्होंने एक और सेकेंड रोल प्ले किया था जिसमें वो बने थे रोबोट चिट्टी। वेल, आपको बता दें कि हर एक अवतार में रजनीकांत ने झंडे गाड़ दिए थे, साथ ही साथ इस फिल्म की सक्सेस के बाद वो नजर आए थे फिल्म रोबोट 2.0 में, जिसमें उनके दुश्मन बनके सामने नजर आए अक्षय कुमार, जिसने कि यहाँ पे किरदार निभाया पक्षी का, और वो यहाँ पर हर एक टावर को बर्बाद करता हुआ, फोन बर्बाद करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, एक बार फिर से अब खबरें सामने आ रही है रोबोट 3.0 को लेकर। कहा जा रहा है कि रजनीकांत एक बार फिर से चिट्टी के किरदार में आपको नजर आएंगे, तो वहीं अक्षय कुमार एक बार फिर से एक एविल साइंटिस्ट के किरदार में आपको नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ ऋतिक रोशन भी इस बार रजनीकांत के साथ आपको मेन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। जहां बीते साल में एमी जैक्सन फीमेल लीड में नजर आई थी, तो वहीं इस बार खबरें हैं कि कैटरीना कैफ आपको फीमेल लीड में नजर आने वाली है। फिल्म के स्टारकास्ट की हम बात करें तो ये फिल्म के स्टारकास्ट है, और साथ ही साथ फिल्म में कुछ नए किरदारों की एंट्री होगी, उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये जरूर बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार किड्स होने वाले हैं, जिन्हें एक शानदार डेब्यू मिलने वाला है फिल्म रोबोट 3.0 से। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 500 करोड़ से भी ज्यादा का बताया जा रहा है। वेल, फिल्म की अनाउंसमेंट लास्ट 2023 तक कर दी जाएगी, और साथ ही साथ 2024 में इस फिल्म का ट्रेलर भी आपको देखने को मिल जाएगा, और अगले साल तक फिल्म बड़े पर्दे पर भी आपको देखने को मिल जाएगी।